नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 18। और बस्तर के बारे में अक्सर हम सुनते हैं कि नक्सलाइट्स का हमला हुआ, नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। और इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं अदा जी, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन सर और विपुल शाह जी जो कि प्रोड्यूसर हैं बस्तर द नक्सल स्टोरी के। बस्तर द नक्सल स्टोरी इस बात पर ये मूवी है कि जिस तरीके से बस्तर में नक्सलाइट्स हमले होते हैं उसके ऊपर, उससे रिलेटेड ये मूवी है। और हमारे साथ पूरी टीम जो है बस्तर की मौजूद है टीम, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मूवी हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। और मैम, जैसे कि इससे पहले आप केरला स्टोरी में थी, तो जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, ये क्योंकि उससे एक डिफरेंट वो है मूवी है, एक डिफरेंट जॉनर है, आप इसमें आईपीएस का किरदार प्ले कर रही हैं, तो क्या कुछ आपने तैयारी की है इसके लिए, कितना आपको प्रिपरेशन में वक्त लगा, कैसे आप स्क्रिप्ट के थ्रू लगी और कितना आपको टाइम लगा? मुझे कॉल आया विपुल सर और सुदीप्तो सर से, एंड मुझे लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट का पार्ट डेफिनेटली होना चाहिए, हमारे देश के बारे में है। एंड उसमें तो मैं विक्टिम थी, इसमें मैं वॉरियर हूँ। आई रिमेम्बर जब केरला स्टोरी थिएटर्स में वो था तो लोग चिल्ला रहे थे शालिनी बदला लो, शालिनी बदला लो फिल्म के एंड तक। इस फिल्म में वो खुश हो जाएंगे बिकॉज मैं सिर्फ बदला ही ले रही हूँ स्टार्ट से फिनिश तक। तो बहुत ही अलग रोल है केरला स्टोरी से। एंड मैं मिली थी वो रियल लाइफ CRPF लड़कियों से, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई एंड वो मेरे इंस्पिरेशन थे इसके लिए। हमें पता नहीं हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, जैसे बस्तर में आई डोंट इवन नो बस्तर क्या है। मेरे फ्रेंड्स भी जो शहरों में रहते हैं मुझे पूछते बस्तर क्या है, नक्सल पता है, नक्सल ही पता है, बस्तर क्या होता है। तो आई थिंक बस्तर देखेंगे उसके बाद उनको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। एंड बहुत ही अत्याचार हो रहा है गरीबों पर, एंड जस्ट बिकॉज वो हमारे लिए हमें टच नहीं कर रहा है, बट तो हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं किधर कहीं ना कहीं हो रहा है। बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो अदा, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि काफ़ी स्कैरी सीन्स भी हैं उसमें और काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी दिखाया गया है, तो क्या कुछ ऐसे जवानों से जो कि जो जवान शहीद हुए नक्सली हमलों में, क्या उनके परिवारों से आप मिली, क्या ऐसे जवानों से आप मिली जो उन वॉर्स का हिस्सा रहे? सी ब्लड शेड एंड ऑल है, पर हमारे 76 जवान को मार दिया गया था हमारे देश के अंदर के लोगों ने, तो वो ऑब्वियसली बहुत स्कैरी है। एंड वो स्कैरी है तो स्कैरी ही दिखाना चाहिए, बट आई फील हमारे देश के लोग बहुत ही ब्रेव है, हम भारतीय बहुत ब्रेव है, तो सब लोग देखेंगे। एंड ऐसे ही नहीं कि वायलेंस लाइक टाइम पास के लिए वायलेंस नहीं है, 76 जवान मर गए थे। एक ट्राइबल औरत का हस्बैंड उसे काट दिया गया टुकड़ों में उसके बेटी के सामने, 5 साल की बेटी के सामने। तो वो सब अगर हो रहा है आई थिंक यू शुड शो इट एज इट इज़। और हमारे मेकर्स जो आपने केरला स्टोरी देखी थी, कितना डायरेक्ट और कितना ऑनेस्ट फिल्म है, तो यहाँ पे भी अगर वायलेंस है तो वो वायलेंस ही दिखाया जाएगा जो हुआ। ये इंसिडेंट्स हुई है, 76 जवान्स हमारे देश में उनको मार दिया गया, सेलिब्रेशंस हुई, कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो वो सब हम दिखा रहे हैं ये फिल्म में। सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हमने केरला स्टोरी में भी देखा कि काफ़ी एक स्टोरी थी, कई बार लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी फिल्म को कई बार बोल दिया जाता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एक बार इतनी बड़ी मूवी आपने करी और फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं, कई बार ट्रोल भी होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो इस मूवी को आप कैसे देखते हैं? नंबर वन, केरला स्टोरी को लेके लोगों के मन में एक गलत धारणाएँ थी, रदर गलत धारणाएँ डाल दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे लोग फिल्म देखने लगे वो गलत धारणाएँ खोता गया। लोगों के मन में अब उन तीनों लड़की के बारे में इमोशन पैदा होने लगे, लोगों को समझ में आया कि ये जो केरल में एक टेरर की डर की माहौल चल रहा है उन लड़कियों में, जो 30-40-50 हज़ार की तादाद पे लड़कियों के साथ हुई है, उसके बारे में इन लोगों को समझ में आने लगे। केरल स्टोरी भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, केरल स्टोरी एक स्टार्क रियलिटी थी, एक ऐसा सच था जिस सच को दुनिया की सबसे बड़े जो दुनिया के सामने जो थ्रेट है इस्लामिक टेररिज्म, उस टेररिज्म ने केरल को उस दहशत में रख दिया था। हमारी नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो कड़वे सच होते हैं ना उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो केरल स्टोरी को भी एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, केरल स्टोरी एक जैसे
स्ट्रेट की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर बना दिए लोगों ने। अब जब 9 महीने बाद उसकी OTT रिलीज हुई, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट OTT रिलीज करके माना जाने लगा। शुरुआत स्लो था क्योंकि लोगों के मन में गलत धारणाएं थी, गलत धारणाएं बना दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे लोग देखने लगे, इतनी प्यार मिला, इतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली कि वो सब भूल गए हमें क्या ट्रोल किया गया था, हमें क्या गाली दिया गया था। हम अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि लोगों के दिल को छू गया था। एग्जैक्टली उसी जगह से हमारी बस्तर की जर्नी शुरू हुई। बस्तर में भी ऐसा ही या उससे भी ज़्यादा कुछ सच को हम उजागर करने जा रहे हैं। इनिशियली जो सच जब होते हैं, सच के दूसरे पीछे जो लोग रहते हैं, जो झूठ की धंधा कर रहे थे आप इतने दिन सच को छुपा के, हम वो लोग एक्सपोज होंगे तो वो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म कुछ प्रोपागेंडा होगा, कुछ होगा। लेकिन केरला स्टोरी की तरह हमें पूरे पूरे विश्वास है कि जब ये फिल्म बाहर आएगा और लोग देखेंगे, लोग एक नया सच के साथ रूबरू होंगे जो केरल की सच्चाई से भी काफ़ी बड़ा सच्चाई है। तो मुझे ये उम्मीद है आप भी देखेंगे और हम दोबारा जब मिलेंगे तब इसकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि आजकल एक्शन मूवीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं और रोमांटिक मूवीज़ की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो वहां पर जब सुदीप्तो सर से आपकी बातचीत हुई होगी इस दौरान कि हम एक बस्तर द नक्सल स्टोरी करके फिल्म बना रहे हैं, बस्तर जैसा कि अदा ने भी कहा कि काफ़ी छोटा एरिया है, इतना लोगों के बारे में, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो कैसे आप इसको आपने समझा कि क्या बातचीत आप लोगों के बीच में रही? देखिए, बातचीत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो रिसर्च मटेरियल मुझे दिया गया दादा की ओर से, उसमें कुछ बहुत चौंकाने वाले सच थे। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे 76 जवान शहीद हुए थे और हम ये भी जानते हैं कि JNU में उसका सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा कि एक 4 महीने के बच्चे के सर पे आयन का रॉड मार के उसे मार दिया गया। मैंने उस रिसर्च में देखा कि 8 बच्चों को अपनी माओं से अलग करके छीन के आग में जला दिया गया जिंदा। कई और एपिसोड हुए जिसमें हमारे कई जवानों को मार दिया गया, कभी 52 जवान, कभी 36 जवान, कभी 10 जवान, कभी 8 पुलिस वाले। तो ये जो निरंतर जो हत्याओं का सिलसिला वहाँ देखा मैंने, वो बहुत भयंकर था। हमारे ही देश के अंदर के लोग हमारे ही जवानों को मार रहे हैं, ये बात बहुत दर्दनाक थी। फिर हमने देखा कि वहाँ पे सड़कें नहीं बना सकते आप स्कूल नहीं बना सकते, हॉस्पिटल नहीं बना सकते, अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो मार दिए जाओगे। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है, और क्योंकि वो हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे देश के मध्य में है छत्तीसगढ़, और अगर इसके बारे में आज तक लोगों को पता नहीं है, ये बात लोगों से बखूबी छुपाई गई है, तो इसको उजागर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमने ये फिल्म बनाने का फैसला किया। हमारा तरीका बहुत सीधा है, हम सच्ची बात बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं, बिल्कुल खुल के बोलते हैं, तो वही अप्रोच हमारा इस फिल्म में भी है और वैसे ही फिल्म हमने बनाई है। अदा, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्योंकि IPS का किरदार जो आपने निभाया और आप एज अ प्रोफेशन आप एक्टर हैं, तो कितना कठिन हो जाता है एक IPS का किरदार जब आप प्ले करते हैं, वो ही बस्तर जैसा इलाका जहाँ पे इतने सारे हमले हुए और सब कुछ हुआ, तो कितना कठिन ये आपके लिए रहा और किस तरीके से आपने प्रिपेयर करा, कितना वक्त आपको लगा? वक्त तो लगा, एंड हम लोग ने बहुत रिसर्च करके प्रॉपर्ली किया, जैसे आपने देखा, इवन फिजिकली जो मेकअप मेरे स्किन पे रोज़ लगता था उसे 2 घंटे लगते थे ताकि मैं रियलिस्टिकली लगूं कि मैं जंगल में रहती हूँ, बिकॉज वहाँ के जो लड़कियाँ हैं जो CRPF में हैं और जो जंगल्स में रहती हैं, उनको टाइम नहीं रहता है ब्यूटिफिकेशन के लिए कभी कभी, बट आई थिंक वो हमारे कंट्री के सबसे ब्यूटीफुल लड़कियाँ तो वही है, बिकॉज वो इतनी फियरलेस हैं, उनसे अगर आप मिलो तो उनकी आँखों में जो एक्सप्रेशन है वो निडर है, वो डिटर्मिंड है, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं वो इम्प्लीमेंट करूँ। हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप्स के साथ साथ वॉइस मॉड्यूलेशन और डिक्शन क्लासेस भी हम लोग ने किया, एंड जब मैं वो लड़कियों से मिली उन्होंने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज मेरे साथ शेयर की, जैसे एक लड़की जो 7 मंथ्स तक प्रेगनेंट थी उन्होंने फोर्स में नहीं बताया था तब, ताकि वो ड्यूटी से नहीं निकाली जाए, जब भी लड़कियों को वो नदी पार करके पूरे गीले कपड़ों में पूरा दिन उनको वहाँ छुप के रहना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी गोलियाँ पड़ सकती है,
खाना सब वो पूरा अपने बैकपैक में लेके जाते हैं एंड वो कभी कभी दैट खाना जो बिस्किट्स और इंस्टेंट नूडल्स वो सब उनके बैग्स में रहते हैं बिकॉज वो कहीं पे सेटल डाउन करके नहीं रह सकते तभी जो इंस्टेंटली जल्दी खा के निकल सकते हैं। हम लोग ये समझते नहीं बिकॉज हम लोग यू नो शहरों में रहते हैं, इट्स सो ईजी, हमारी लाइफ बहुत ईजी है, उनका बहुत कठिन ये है। बट मैंने कोशिश किया कि आज रियलिस्टिकली मैं कर पाऊँ वो हो एंड ऑडियंस अब डिसाइड करेगी। आज अदा वैसे वुमेंस डे भी है और सोशल मीडिया पर आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो क्या संदेश देश की महिलाओं को आप देना चाहेंगे? कि स्ट्रांग रहिए एंड आई थिंक जैसे केरला स्टोरी में भी हम लोग एक संदेश दे रहे थे कि जागरूक रहिए, कि आपके देश के बारे में हो क्या रहा है वो अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे अब बस्तर आ रही है तो हम लोग ऐसे फिल्म्स लेके आ रहे हैं जो ट्रूथ को छुपाया जा रहा है, सच्चाई को छुपाई जा रही है, तो आके देखिए ताकि आपको पता चले कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। आई थिंक वैसे अपने माइंड को एडुकेट करें बिकॉज मैं और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे व्हेन आई सेड कि मैं बस्तर कर रही हूँ, दे सर बस्तर क्या होता है, क्या है बस्तर, तो आके देखिए एंड स्ट्रॉन्ग रही। आई प्रॉमिस यू कि हमारे फिल्म में बहुत सारी महिला किरदार हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी। एक ट्राइबल औरत है जो काफ़ी इंस्पिरेशनल है, मेरा किरदार नीरजा माधवन का है, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमारे फिल्म में, तो ऐसी फिल्म आप इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप बहुत इन्जॉय करेंगी आई थिंक, सो प्लीज़ आके देखिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि पहले भी नक्सली प्रभावित एरियाज जो होते हैं उन पर मूवीज़ बनी हुए हैं, पिक्चरें बनी हैं, तो कितना डिफरेंट ये मूवी है और कैसे ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है? प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो फिल्म में बना था नक्सलाइट या माओइस्टों के ऊपर वो एक जनरल परसेप्शन से बन रहा था, मतलब ऐसा लगता था कि कुछ यंग लड़के लड़के लड़की जंगल में रहते हैं और गाँव देहात में जो और ट्राइबल्स में जो समस्या है उस समस्या के लेके ये लोग अपने जौबन को अपने यूथ को डेडिकेट करते हैं, ऐसा एक परसेप्शन था और उनकी लड़ाई सरकार से था इसलिए कि ये लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई करते हैं, ये एक जनरल परसेप्शन था। और पिछले 50-60 साल में हमें इन लोगों के बारे में यही बोला गया बताया गया था, वो मीडिया का भी देन है सरकार का भी देन है। ये जो इंसिडेंसेस है ये बहुत ही एक 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 लेपापोती वाले आईवॉश वाले एक धारणाएँ दिया गया था, असली में सिचुएशन इतनी ख़राब है। जो आपको आदा ने जो अभी आपको बोले कि एक महिला एक आदमी नेशनल फ्लैग डाले थे ट्राइकलर होस्ट किया था जिसके वजह से उसको 32 टुकड़े करके काट दिया जाता है और उसकी वाइफ को उनकी खून से दीवार रंगाया जाने के लिए बोला जाता है। सो दहशत इस लेवल पे है जो विपुल जी ने अभी बताया कि 8 बच्चे को माँ की गोद से छीन के आग में फेंक दिया गया, जिंदा जलाया गया। इस तरह की कहानी ना इंडियन मीडिया कभी पेश किया ना कोई भी टेलीविज़न चैनल दिखाए, तो हम बस्तर की असली घटना रियल स्टोरीज और विथ ऑल द एविडेंसेस वी हैव पुट टुगेदर इन दिस फिल्म। इस तरह की जो परसेप्शन था नक्सलों के बारे में जितने फिल्म अभी तक बनते गए हमारी वो रोमांटिक इम्प्लोर बिल्कुल नहीं है, स्टार्क रियलिटी जो फिक्शन से भी खतरनाक है वो हमने इस फिल्म में लेके आए हैं। अभी सरकार जो है विष्णुदेव साय जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित एरियाज पर उनका भी शिकंजा जो है वो कसना चाह रहे हैं और ख़त्म करना चाहते हैं इसको और जागरूकता भी फैलाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि नक्सलाइट्स जो हैं वो खुद सरेंडर भी करते हैं, तो क्या कुछ कोई सरकार की तरफ से आप लोगों ने बातचीत की, कोई परमिशंस लेने में कोई दिक्कत आई या नहीं आई, या फिर उनसे आप लोगों ने कोई बातचीत की कि हम ऐसी मूवी बना रहे हैं? जी नहीं, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, तो इसलिए हमें एक फिल्म बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिशियन के पास जाके कोई परमिशन लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपकी सच्चाई को एक शक का दायरा लग जाता है। तो हमारी फिल्म हमने बनाई है और हम ज़रूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री देखें ये फिल्म, और अगर ये फिल्म
उनके जो मिशन को थोड़ा सा भी मदद करे और नक्सलवाद को ख़त्म करने में हमारी फिल्म का कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा तो हम उसको हमारी बहुत बड़ी सफलता मानेंगे। लेकिन हमें उनकी परमिशन लेने का ऐसा कोई, या हम अभी आज तक कभी उनसे मिले भी नहीं हैं। और जब हमारी फिल्म शूट हो रही थी तब गवर्नमेंट अलग थी, तो हम उस गवर्नमेंट से भी नहीं मिले थे, हम इस गवर्नमेंट से भी नहीं मिले हैं। हम फिल्म मेकर हैं, हम अपनी कहानी फिल्मों के ज़रिए लोगों तक, एक बहुत बड़ा सच लोगों तक ले जाना चाह रहे हैं और यही काम हमने किया है। तो ये थी हमारे साथ बस्तर द नक्सल स्टोरी की पूरी टीम, अदा जी, सुदीप्तो सर, विपुल शाह जी। तो हम जब आशा करते हैं कि जब ये मूवी थिएटर्स में आए तो लोग खूब इसको देखें और खूब प्यार दें। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी मूवी के लिए। और ये भी हम आशा करते हैं कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे, और जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहाँ पर जो नक्सलाइट्स का हमला होता रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाए। धन्यवाद।